आज तमाम तरह के मेडिकल कोर्सों की नाम आती है। कुछ ऐसे मेडिकल कोर्स हैं जो चलते तो हैं बट वो लीगल नहीं है, वो कहीं ना कहीं से इलीगल है। तो आज की जो वीडियो में आपके साथ आया हूं और जो बातें शेयर करने वाला हूं, दो तो बातें आपको बताऊंगा ताकि आप डिसीजन ले पाए कि आपको किस मेडिकल की तरफ जाना चाहिए, यानी आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं क्या वह रास्ता सही है या गलत है। तो आज तमाम ऐसे विधा हैं, तमाम ऐसे पैथी की बात आ रही है जिसमें लोग दवा का और क्लिनिक खोलने का दावा कर रहे हैं। तो शायद अगर उन सब बातों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो झूठे साबित हो रहे हैं और एक फंसने के चांसेस आपके पास हैं। आने वाले समय में आप पैसा भले ना कमा पाए लेकिन हो सकता है कि अगर आपके द्वारा कोई गलती हुई तो जेल का सफर जरूर तय करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्जी कोर्सों को करने से अच्छा है कि अगर आप प्राथमिक उपचार में आप इंटरेस्टेड हैं, प्राथमिक उपचार करना चाहते हैं या प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको उन फर्जी कोर्सों के अलावा आपको जो फोकस करना चाहिए वह सीएमएस और ईडी पे करना चाहिए। सीएमएस और ईडी कोर्स जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा सर्टिफाइड कोर्स है, गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सर्टिफाइड है। तो इस कोर्स को आप अगर करेंगे तो आपको प्राथमिक उपचार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार केंद्र के बारे में, जिसमें हाँ ये प्राथमिक उपचार आप किस विधा से होता है इस विधा को भी आप समझ ले। तो आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न हमारी प्रिंसिपल है जिसे आप कहते हैं कि एलोपैथ, तो एलोपैथ में यानी अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करके आप जो है प्राथमिक उपचार करते हैं। और अंग्रेजी इसमें भी प्राथमिक उपचार के लिए कुछ दवाओं का निर्धारण किया गया है, उन दवाओं को आप स्टोर भी कर सकते हैं, रख सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए और लोगों के उपचार के लिए। आज भी भारत जो है आप जान रहे हैं कि विश्व के दूसरे नंबर का सबसे आबादी वाला देश है। तो यहाँ पर आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए उन तमाम जगहों के लिए डब्ल्यूएचओ ने और गवर्नमेंट ने सीएमएस और ईडी का एक कैटेगरी तैयार किया जिसमें प्राथमिक उपचार केंद्र की बात कही गई। प्राथमिक उपचार केंद्र की बात कही गई, प्राथमिक उपचार करने की बात की गई, लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया कि यदि आप कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग आप लेते हैं, 2 साल की आप पढ़ाई करते हैं, ओपीडी करते हैं, तब जाकर के आप प्राथमिक उपचार कर पाएंगे, अन्यथा आप प्राथमिक उपचार के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, वैध नहीं माने जाएंगे और आपको तमाम तरह की परेशानियां होंगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस समय मेडिकल फील्ड में हैं, इंटरेस्टेड हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं पर भी स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को लीगल बनाने के लिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना हो, तो आपको सीएमएस और ईडी का कोर्स जरूर करना चाहिए। सीएमएस और ईडी कोर्स करने के कई फायदे हैं। पहला फायदा तो आपको यह तमाम मुश्किलों से बचाएगा। दूसरा फायदा, आपका अर्निंग का स्रोत भी बनेगा। तीसरा फायदा, आपके मन में जो डर बना रहता है कि कहीं हमारे यहाँ छापा ना पड़ जाए, कहीं हमारे यहाँ कोई दिक्कत ना हो जाए, ये सारी सिचुएशंस आपके साथ नहीं होगी, ठीक है। सीएमएस और ईडी का कोर्स एसएसटी इंस्टीट्यूट से यदि आप करते हैं तो आपको इसके कई फायदे होते हैं। पूरे मतलब इंडिया में कहीं भी आप प्राथमिक उपचार करें, आपको कहीं किसी भी तरह से परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि एसएसटी इंस्टीट्यूट एक ऑथोराइज संस्थान है, ऑथोराइज सेंटर है। यहाँ से आप अपने कोर्स को कंप्लीट करके प्राथमिक उपचार की सेवा दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और आप समझ पाएंगे। तो उन तमाम फर्जी कोर्सों को करने से अच्छा है कि आप सीएमएस ईडी का कोर्स करें, एलोपैथ में प्रैक्टिस करें और फिर अपनी करियर को एक नई दिशा दें, जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। एडमिशन ओपन हो चुका है, आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन अपना इनरोल कर सकते हैं, बुक करा सकते हैं और पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।